टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई ने भारत में फेसबुक के प्रयासों को बड़ा झटका दिया है। ट्राई ने मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों पर अलग अलग डेटा इस्तेमाल के लिए अलग अलग टैरिफ की पेशकश कर पाबंदी लगा दी है। केंद्र सरकार ने नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में अपना फैसला दिया है। ट्राई ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि अलग अलग डेटा इस्तेमाल के लिए अलग अलग कीमतें नहीं देनी होंगी। फेसबुक के फ्री इंटरनेट बेसिक अभियान को इस फैसले के बाद बड़ा झटका लगा है। अलग अलग कीमत वसूलने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। कंपनियों ने उपभोक्ताओं को खास ऑफर देने की बात कही थी। ट्राई की इस रोक के बाद ये मामला फंस गया है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने फ्री बेसिक्स स्कीम में कहा गया था कि इसके जरिए ग्रामीण भारत के लाखों लोगों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी ने सर्कुलर जारी कर कहा कि मोबाइल कंपनियां अब उपभोक्ता से किसी भी तरह का करार नहीं कर सकती हैं और न ही अलग सुविधा के लिए कीमत की शर्त ही लगा सकती हैं। फ्री बेसिक्स योजना चंद वेबसाइटों को निशुल्क पहुंच की सुविधा देता है। इन मुफ्त वेबसाइटों में कुछ स्थानीय समाचार और मौसम अनुमान, BBC, विकिपीडिया और कुछ हेल्थ साइटें शामिल थी। फेसबुक के मुखिया मार्क जुकरबर्ग ने फ्री बेसिक्स को लेकर व्यापक अभियान चलाया था और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसके समर्थन में ट्राई से अपील करने के लिए कहा था। नेट न्यूट्रलिटी को लेकर काफी विवाद रहा है, जिसका समर्थन करने वालों का तर्क है कि इंटरनेट के बाहर रहने वाले लाखों लोगों को इससे निशुल्क जोड़ा जा सकता है। वहीं फ्री बेसिक्स के आलोचकों का तर्क है कि फ्री बेसिक्स नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत के ठीक उलट है। ऐसे में ट्राई का ये फैसला फेसबुक और एयरटेल जीरो दोनों के लिए बड़े झटके से कम नहीं है।